नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जीके एंड लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट में, जिसमें दोस्तों आपको डेली आंगनवाड़ी से संबंधित व शिक्षा विभाग की कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं आज 11 जून 2018 के शैक्षणिक व आंगनवाड़ी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुभ प्रभात। बिट्स लाइब्रेरी में 2.5 लाख किताबें ई बुक्स भी मौजूद। झुंझुनू के पिलानी में जर्मन टिशू पेपर विश्वविद्यालय से संरक्षित हुए दुर्लभ किताबें, हजारों छात्रों को मिल रही है मदद। टीचर तबादला सूची, करौली की सूची में लिख दिया डीओ अलवर। एक ही क्रमांक के विभाग के दो अलग अलग आदेश जारी होने में गलफत। जेईई एडवांस 11.69% रहा रिजल्ट। 291 सीटें बढ़ी पर पिछले साल में 32,317 छात्र कम चुने गए थे। 1.5 लाख स्टूडेंट में से 18,000 ही क्वालिफाई। टॉप 10 में कोटा के 5 छात्रों ने किया परचम। जेई एडवांस में बीकानेर के होनारों का परचम लहराया। गत वर्ष के 78.96% रिजल्ट रहा, टूटने का आज रिकॉर्ड। नौकरशाही में लेटर एंट्री को केंद्र ने दी मंजूरी। यूपीएससी परीक्षा पास किए बिना भी बन सकेंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी। चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटित सूची में संशोधन। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 प्रथम लेवल नॉन टीएसपी एरिया की जिला आवंटित सूची में संशोधन किया गया है। सम्मान समारोह, दैनिक भास्कर व बसंत क्लासेस का संयुक्त आयोजन। प्रतिभावान छात्रों को अवार्ड पंजीयन करवाने के लिए 2 दिन का मौका। पिछले साल की तुलना में इस बार इंजीनियरिंग के 4,000 सीटें घटी। भास्कर करेगा 10वीं व 12वीं के प्रतिभाशाली छात्रों का सम्मान। प्रदेश के 65,000 स्कूलों में विकसित किया जाएगा भारत दर्शन गलियारा। RPVT में पकड़ा गया फर्जी परीक्षार्थी, दूसरे अभ्यर्थी की जगह दे रहा था परीक्षार्थी। और फ्रेंड, इसके अलावा भी है, राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा का परिणाम होगा आज जारी। दोपहर 3:15 ये परिणाम जारी करेंगे। और दोस्तों, इन शिक्षा विभाग के अलावा भी आंगनवाड़ी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये आज उत्तराखंड रुड़की में देहरादून में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बहुत ही बड़ी रैली निकालने वाली है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 10 सूत्री मांगों को सरकार के समक्ष रखा है। रैली में भाग लेने का कार्यकर्ताओं से किया आह्वान। लोकार्पण की बार जो रहे आंगनवाड़ी भवन, ये 11 जून की न्यूज है, लेटेस्ट अपडेट है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, हर माह की 19 को आंगनवाड़ी केंद्रों पर अन्न प्रशासन। प्रत्येक माह की 19 तारीख को जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर अन्न प्रशासन दिवस मनाया जाएगा। पारू के 2 केंद्रों की सेविका सहायिका चयन मुक्त। आंगनवाड़ी केंद्र संचालन में शिथिलता बरतने पर पारू के 2 आंगनवाड़ी केंद्रों की सेविका व सहायिका को चयन मुक्त कर दिया गया है। दोस्तों, ये पूरी आज की लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें आंगनवाड़ी और शैक्षणिक जगत की पूरी टोटल आज दैनिक न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर करना ना भूले, और लेटेस्ट न्यूज़ की अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और अभी तक आपने मेरे चैनल के साइड में घंटी के बटन या बेल आइकन पर अभी तक प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा भेजी गई कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं आंगनवाड़ी से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ लेकर फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माई वीडियो।